बॉस मैंने दो अपार्टमेंट बेच दिए हैं, बॉस मैंने दो अपार्टमेंट बेच दिए हैं इस बिल्डिंग के अंदर। मैं मौके वारदात पे पहुंचा हूं नक्के पे पकड़ने के लिए। अब कहेंगे भाई मेरे आपने कौन सा काम स्टार्ट कर दिया है। बाकी बातें छोड़ो, बात पे फोकस करो, हुआ क्या है। ये जितने प्रॉपर्टी वाले हैं ना, और जो लोग प्रॉपर्टी एजेंट या ब्रोकर बनना चाहते हैं, आजकल टिकटॉक पे चल रहा है ना ये माइक पकड़ के, हाउ मच कमीशन यू आई मेक, 101,000, ओके, हाउ मच कमीशन यू मेक, 1,000,000, क्या समझे, समझे, आगे समझाता हूँ, बात पूरी समझें। ये गेम कैसे खेली जा रही है और इसके अंदर कैसे शिकार किया जा रहा है फ्रेश लोगों का, गौर से सुनना है। क्योंकि जब भी आप फ्रेश कमर्स आएंगे ना, चले फ्रेश नहीं भी हैं, कोई जॉब स्विच करके इधर आ रहे हैं ना, तो मेरी एक बात कान खोल के सुनिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर जाना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, मेरे पास एक भाई बजे हैं, उनका क्या गिला है, कहते हैं भाई मैं विजिट पे यहाँ पे आया था, अच्छे प्रोफेशनल भाई हैं, मेच्योर एज के भाई हैं, उन्होंने ज्वाइन किया एक कंपनी को अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी में कंपनी ज्वाइन करते ही उन्हें बोला गया कि भाई फलाना 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 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सारी डिटेल दे दी गई, पढ़े लिखे भाई थे, उन्होंने अपनी एफर्ट मारी, वही पता है कॉल सेंटर से कॉल शॉल करके, अभी उनका वो लाइसेंस नहीं बना था प्रॉपर्टी डील करने का, क्या समझे। अब उससे क्या हुआ कि भाई साहब ने उनकी दो डीले क्लोज करा दी, कहते हैं बड़े बड़े उन्होंने सेल्स वाले रखे थे, उनसे डील नहीं क्लोज हुई, मेरे से क्लोज हो गई। बात होती है कम्युनिकेशन की, भाई साहब ने कर लिया। अभी उस बंदे को उन्होंने वीजा भी नहीं निकाल के दिया था, लेकिन उनसे जो लिखत पढ़त हुई थी तो वो कमीशन की बात हुई थी, जो फलाना फलाना जो भी उनके साथ कमीशन मुका हुआ था। अब भाई साहब ने दो प्रॉपर्टियां सेल कराई और जो एक प्रॉपर्टी की वर्थ थी वो मोर देन 1.5 मिलियन थी, ठीक है। उस हिसाब से तो उनको इतना पैसा मिल जाना चाहिए कि भाई मेरे अगले 5-6 महीने ना वो आराम से बैठ के खा लें। अब जब प्रॉपर्टियां सेल हो गई, ट्रांसफर हो गया, सारा काम उससे करवाया गया, तो उसके बाद जब भाई साहब फॉलोअप करने लगे कि भाई बॉस हाउ मच कमीशन आई मेक, बॉस ने कहा भाई ये कमीशन और ये दूसरी प्रॉपर्टी का कमीशन, अपना काम जारी रखिए। जब भाई को लगा कि भाई मेरे ये क्या हो गया, झोलो झोल, भाई ने मुझे मैसेज पहले भी किया था, मैंने कहा भाई सैलरी मिली है, कहते हैं भाई अभी तक डिले चल रहा है, अभी कंपनी के हालात वेल डन ऑल द कंपनीज ओनर जो विजिट वीजा पे लोगों से काम करवा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, इनकी जब सबसे बड़ी हायरिंग होती है ना, सबसे बड़ी हायरिंग, इनको क्या लगे भाई आप इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं, इनको चाहिए ताज़ी मुर्गियां, ताज़े शिकार, ताज़े बंदे जो फ्रेश यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, गर्म खून आता है ना, उस गर्म खून को कैसे ये पानी बनाते हैं ना, ये इनको पता है। आपसे सारी डील करवाई जाएगी, आपका वीज़ा भी नहीं लगाया जाएगा और एंड में आपको आँख थू करके ना फेंक दिया जाएगा। कहेंगे भाई मेरे बकवास करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये जब आप एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, शायद तब मेरी बात को मानेंगे, वैसे कोई भी नहीं मानेगा मेरी बात को। जब भी किसी प्रॉपर्टी के डील के अंदर जाना है या कंपनी को ज्वाइन करना है, एक लिखत पढ़त प्रॉपर होना चाहिए, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ लिखी होनी चाहिए, एंड ट्राई कि फिक्स सैलरी के ऊपर आपको काम कराया जाए ताकि अपना खर्चा पानी निकालें, और जो कमीशन है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। कल को सिर्फ बातों में ना, बॉस हाउ मच कमीशन आई मेक, बॉस नहीं बताएगा, जहां पे लिखा हुआ है ना वो चीज बताएगी, और उसके बाद भी नहीं दिया तो मोरे एप्लीकेशन बताएगी, वरना आख